गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और एक और वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के पास, अराउंड आज एक बज गया है, मैं लेट हो गया हूँ। इतना लेट भी नहीं होना चाहिए, आज संडे है और गणपति का जो दूसरा दिन है, आज डेढ़ दिन की विसर्जन है, सो अराउंड मुझे 11 बजे तक निकल जाना चाहिए, बट लेट हो गया है। और कल भी गाड़ी धोई थी बट बहुत गंदी हो गई थी, इसके लिए मैंने गाड़ी धुलाया है। और इसका पहले करता हूँ इंजन ऑयल चेक, क्योंकि इंजन ऑयल चेक नहीं हुआ है। और इसका वाइपर मैं उस दिन काम कराया था तो उल्टा लगा दिया, ये देखो राइट वाला लेफ्ट में है, लेफ्ट वाला राइट में है, तो इसके लिए थोड़ा मसला हो रहा है। इसको पहले जाऊंगा गैरेज पे, इसको सही कराऊंगा। और दोस्तों अभी पहले मैं जाऊंगा गैरेज पे क्योंकि ये दो दिन से हो रहा है, उसके पहले भी गाड़ी का वाइपर उल्टा था, साफ बराबर नहीं होता है क्योंकि लेफ्ट राइट रहता है तो बराबर करता नहीं। उसके बाद लॉगिन करूंगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया हूं, और भी लेट है ना, अभी करीब कम से कम आधा घंटा लगेगा मुझे लॉगिन होने में, करीब डेढ़ बज जाएगा, एक बजने वाला है। सो गाइस देख सकते हैं यहां पे कितनी गर्दी है, यहां पे एक बड़ी गणपति बैठती है ये वड़ाला में, और यहां पे तो आज संडे भी है और छुट्टी है, वो हिसाब से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये रोड हमेशा खाली रहता है बट देखो जैम है। और ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से एंट्री होती है और एक ऊपर से आउट है शायद, वो आउट है। और यहाँ से कम 500 मीटर दूरी से लाइन लगी हुई है जो अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। और ये देखो सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार करके रखे दर्शन के लिए आए हुए हैं। ये देखो गाइस गर्दी देखो, ये मेन है, अंदर ही जो गणपति जी की मूर्ति जो बैठाए हुए हैं अंदर ही है। और ये देखो पब्लिक, चलना मुश्किल है और कभी 10 मिनट से मैं एक ही जगह खड़ा हूँ। ये देखो कोई बाहर की औरत लग रही है और गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं हो रही, हल्की हल्की जा रही है क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। ज़्यादा करके लोग यहाँ पे ना रोड पे पार्किंग कर दी है, देखो ये सब रोड पे पार्किंग है। और अभी आजकल तो यहाँ पे कोई टोचन वाला नहीं आएगा क्योंकि जो दर्शन के लिए आते हैं वो कहाँ पार्क करेंगे, वो हिसाब से देखो सब खड़ी हुई गाड़ी। सो गाइज अभी मेरी जर्नी स्टार्ट, गाड़ी रेडी हो गई है, अभी मैं यहाँ पर करूँगा लॉग इन और बज गया है 1:45 के आसपास हो गया है। सो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं करीब वो जो मंदिर से करीब आ गया हूँ 1 किलोमीटर की दूरी पे, और लाइन यहाँ पे भी है। ये देखो गाइस सब लाइन है, दर्शन के लिए लाइन है, और ये अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास में हूँ। अभी उसके पीछे भी लाइन है, कहाँ तक है वो पता नहीं। देखो ये लोग इतनी कड़क धूप में वेट कर रहे हैं दर्शन के लिए। और लालबाग के जो राजा हैं वहाँ पर और भी लंबी लाइन रहती है, यहाँ तो फिर भी कम है ये। सो गाइस करता हूँ इसको लॉग इन, सबसे पहले उबर, फिर उसके बाद ओला, अभी करता हूँ इसको लॉगिन। अब दोनों लॉगिन हो गया, देखते हैं कहाँ किस में बेस्ट बुकिंग आती है, वो हिसाब से एक्सेप्ट करूँगा। और ये करता हूँ ओला पे, उबेर पे, रैपिडो भी चालू करूँ कि नहीं करूँ वही सोच रहा हूँ, कर लेता हूँ रैपिडो भी चालू। ओला में देखो बुकिंग आ गई है, कहाँ किया ये 133 रुपया लोअर परेल, वहाँ बिल्कुल नहीं जाने का। कल रात में मैं फंस गया था जाके, दर्शन के लिए लोग जाते हैं यहाँ पे, दिखा दिया 22 मिनट दिखाएगा लेकिन वो बढ़ जाता है टाइम। कर लेता हूँ रैपिडो को ऑन, शायद कोई अच्छी बुकिंग आ जाए, इसमें कभी कभी आ जाती है बहुत ही बेहतरीन बुकिंग। और इसमें कैश पेमेंट आती है, कभी ऑनलाइन वगैरह ऐसा सिस्टम नहीं रहता कि कंपनी के उसमें जाएगा। और टाइम हो रहा है इसको लॉग इन होने में, फिर भी ओला की बुकिंग आई है 18 घाटकोपर ईस्ट, वहाँ जाना ठीक नहीं है। सो गाइज मैंने कर दिया ड्रॉप, और जो वो कस्टमर था उसने लोकेशन चेंज कर दिया, और वहाँ पे दिखाया था 100 कुछ रुपया और दिया मुझे, देखो अभी एक बुकिंग आ रही है 139 रुपया, ये ठीक नहीं है, इसमें कम पैसा दिखा रहा है। और गाइज यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज गर्मी उमस रहा है एकदम, जिससे उबाल खा रहा है ना, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। एसी अगर एक मिनट के लिए बंद कर दो फिर पूरा पसीना हो जाता है। और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसके लिए मैंने लिया एक बिस्किट, और ये बिस्किट लिया है कभी अच्छा रहता है अभी पानी वगैरह पीने के लिए। और हमने लिया एक बिस्लेरी का पानी, इसको पी के थोड़ा सा प्यास बुझाएंगे। और देखो मैंने आधा पी गया, अभी शाम तक 2-3 बोतल लग जाएगी ऐसा। सो अभी दूसरी बुकिंग की वेट कर रहा हूँ, और सर्च इतना ज़्यादा है ये आसपास के, अंधेरी से लेके दादर परेल, परेल तो कोई भी जो भाई देख रहे वीडियो नहीं जाना क्योंकि फंसना कंपल, मतलब 100% आप ट्रैफिक में फंसेंगे। लास्ट में कल रात में मैंने बुकिंग लेके गया था अंधेरी से परेल की, मजबूरी थी क्योंकि वो साइड मुझे घर जाना था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। बट कस्टमर अच्छा था कि थोड़ा वो 1 किलोमीटर पहले ही उतर गया क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था, आगे मूव नहीं हो रही थी, फिर भी आधा घंटा मेरा 1 किलोमीटर की दूरी में ही ख़राब हो गया।
सो अभी दिन है और आज संडे है, आज तो बिल्कुल नहीं जाना। देखो वही बुकिंग बार बार आ रही है जो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये ट्रैफिक वाली एरिया है, इसके लिए कोई नहीं ले रहा है और पैसे भी कम है। और इसमें देखो सर्च कितना दिखा रहा है, ये देखो कुर्ला के साइड में है, ये दादर है और ये वर्ली वगैरह में। यहाँ पे ज़्यादा करके सब गणपति ज़्यादा बैठाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्रीयन भाई लोग वहाँ पे बहुत हैं। और ये देखो बोरेवली के साइड में है, मलाड, गोरेगांव, ये सब साइड में बहुत मतलब सर्च है। और ये देखो सब ये बोरेवली वेस्ट का एरिया है। और ये तालाब के थाने वगैरह में सर्च नहीं है। और ये नवी मुंबई का एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सर्च है वासी के साइड में। मेरी सबसे पहली बुकिंग आई है और सबसे अच्छी मैं ये बुकिंग मानता हूँ, क्योंकि इसमें दिखा तो रहा है कुछ 5 मिनट का ड्रॉप है, बट इसको ड्रॉप पिकअप है और 5 मिनट का, 5 से 7 मिनट का ड्रॉप है और 124 रुपये देगा। तो इतना टाइम में अगर तुरंत कस्टमर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। और एक और मेरी बुकिंग आ गई है, बैंड्रा वेस्ट माउंट मेरी जाना है, लीजा करके एक क्रिश्चियन है चर्च पे जा रहे हैं, माउंट मेरी जो चर्च है वहाँ पे लेके जाना है। अराउंड ये दिखा रहा है 20 मिनट की ड्रॉप है, ठीक ठाक पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन टाइमिंग हिसाब से ठीक है। सो गाइज मेरे पास एक बुकिंग आई थी ओला में, उबेर में जो आई थी मैं वो एक्सेप्ट किया था, लेकिन गया था लोकेशन पे कस्टमर आया नहीं तो उसको कैंसिल करना पड़ा। फिर मैं ओला में लेके आया हूँ दादर स्टेशन पे ईस्ट में, और पैसा तो कम दिया क्योंकि उसमें 2 ड्रॉप था, मल्टीपल बुकिंग थी, बट उसमें दिखाया नहीं मैं कुछ बराबर देख नहीं पाया उसको, और कस्टमर भी उतना अच्छा नहीं था, तो उसको 1 ही स्टार दूंगा बैड बिहेवियर का डाल के सबमिट कर दूंगा इसको। और इसमें दिया है 204 रुपया, कुछ खास नहीं दिया, करीब 40 मिनट लग गया। बेर को कर दिया था बंद, अब इसको चालू करता हूँ। यहाँ पे देखो पूरा सर्च दिखा रहा है ये एरिया में, देखते हैं कुछ बुकिंग आती है कि नहीं। बस एक बुकिंग आ गई है उबेर में, ये अच्छी बुकिंग है, टर्मिनल 2 जाना है और यहीं से है, स्टेशन से ही दिखा रहा है, लोकेशन भी यहीं दिखा रहा है, और इसको जाना है टर्मिनल 2 और आधा घंटा दिखा रहा है। इसमें 384 रुपया दिखाया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये शर्ट क्यों पहना, ये मैं गाड़ी में रख रहा हूँ अभी, और स्टेशन वगैरह पे जाता हूँ तो वहाँ पे अक्सर पकड़ते हैं जो ट्रैफिक हवलदार है, इसके लिए मैं पहन लेता हूँ। अभी यहाँ से निकलने के बाद इसको उतार दूँगा, गर्म बहुत हो रहा है, एसी चलती है फिर भी गर्म होता है, डबल हो जाता है, तो इसको मैं गाड़ी में ही रखता हूँ, हमेशा नहीं पहनता हूँ। सो अभी इसको लेके जाता हूँ एयरपोर्ट, आधा घंटा बहुत सही दिखा रहा है, क्योंकि रोड खाली है, दूरी है थोड़ा लेकिन रोड खाली है। जो मैं सांता क्रूज़ से आया था वहाँ से 200 रुपये मिला, और वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ये 386 रुपया सही है, बहुत सही है। सो गाइज मैंने टर्मिनल 2 ड्रॉप किया है और इसमें मिला है मेरा 365, जो 378 आई थिंक दिखा रहा था, लेकिन इसमें मिला 70-65 रुपीज़। और अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ, दूसरी तरफ जा रहा हूँ, और इसमें कोई बुकिंग वगैरह तो आई नहीं है अभी। सो यहाँ से एयरपोर्ट से थोड़ा दूर जाऊँगा तो शायद बुकिंग वगैरह आएगी, क्योंकि यहाँ पर सर्च वगैरह दिखा नहीं रहा है कुछ। और ये है गाइस टर्मिनल 2, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था। देखो मैंने जैसे बताया दोपहर के टाइम खाली रहता है, इतने टाइम बहुत कम फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होती है। सो गाइस मेरे पास एक बुकिंग आई है वर्ली की, थाने की आई थी पर वो कैंसिल हो गई। सो अभी आई है उबेर में ही आई है, वो भी उबेर में थी, और इसकी टाइमिंग कम दिखा रहा है, पैसा आज पता नहीं क्यों सर्च दिखा रहा है, लेकिन सर्च के एरिया में हूँ लेकिन पैसा बहुत ही कम दिखा रहा है, वो हिसाब से सर्च तो बहुत अच्छा दिखा रहा है लेकिन बुकिंग बहुत ही बेकार आ रही है। सो फिर भी मैंने एक बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया है वर्ली का, वर्ली में जाके देखेंगे, वहाँ भी और भी सर्च है, शायद वहाँ से अच्छी खासी बुकिंग मिल जाए, तो वो हिसाब से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। करीब 250 रुपया, 275 रुपये के आसपास की बुकिंग है, फिर भी इसमें दिखा रहा है आधा घंटा दिखा रहा है। सो अभी मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और ये बुकिंग है कुछ 3 मिनट की दूरी दिखा रहा है, 3 मिनट, 4 मिनट दिखा रहा है, 3 मिनट ये होगा, यू टर्न दिखा रहा, थोड़ा नेविगेशन बराबर काम नहीं कर रहा, अभी थोड़ा आगे मूव करूँगा तो दिखाएगा। और रोड तो खाली दिखा रहा है, जाने के लिए भी सीलिंग रहेगा, सीलिंग से फटाफट निकल जाएंगे। आज रोड वगैरह तो बहुत ही खाली है लेकिन बुकिंग आती है, पैसा बहुत कम दे रहा है आज का, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों। अभी देखो 500 मस्जिद बंदर दिखा रहा है ईस्ट में, और इसको मैं ले लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ की है बुकिंग। जोगेश्वरी ईस्ट की बुकिंग आ रही है,
523 रुपया, उसमें से माइनस हो जाएगा 100 रुपया, 423 रुपया, सही नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि दूरी भी उतना ज़्यादा है। सो गाइस, मैंने कर दिया ड्रॉप वर्ली में और मुझे मिला है 245 रुपया, जो भी इसका 5% कट के। और ये देखो काफ़ी बेहतरीन जगह है, अभी आप ओला उबेर अगर चलाते हैं तो ऐसी वैसी जगह देखने को मिली जाएगी आपको। और इसकी टोटल बिल हुआ था 429 रुपया, जिसमें से 245 रुपया मुझे मिला है, उसमें से जो 5% कट के टैक्स कटा है उसमें उबेर ने अपना कमीशन लिया है, प्लस 100 रुपया जो सीलिंग का था टोल, वो माइनस होने के बाद इतना सब मिला है। ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था, लेकिन ये साइड में सर्च दिखा रहा था इसके लिए मैं आ गया। अभी आने के बाद सर्च भी ख़त्म हो गया। और ये अपोजिट साइड में हाजी अली है और कॉस्टल रोड जो बना हुआ है वो है। ये देखो गाइस, ये है कॉस्टल रोड, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, वो कम्प्लीट हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। इसके तो मैं नीचे हूँ, पुराने रोड पर हूँ, ऊपर से कभी जाऊँगा तो बनाऊँगा वीडियो वगैरह। आई थिंक एक दो वीडियो में आप लोग ने देखा ही होगा वहाँ पर। सो गाइज, वर्ली से मुझे बुकिंग मिल गई थी वासी की। वासी ड्रॉप करने के बाद वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वहाँ पे करीब मैं 1 घंटा खड़ा रहा और वहाँ पे CNG वगैरह भरा लिया था। उसके बाद मुझे आ गई पलावा सिटी डोंबेवली की। डोंबेवली जाने के बाद भी मैं करीब एक बुकिंग आई थी, वो ठीक ठाक नहीं थी तो मैंने ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं 1 घंटा वेट किया। 1 घंटा वेट करने के बाद बुकिंग आ रही थी, बट उतनी खास नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्च था वो एरिया में, फिर भी उतनी कुछ खास नहीं आ रही थी। उसके बाद एक मुझे प्राइवेट बुकिंग मिल गई और मैं आ गया हूँ डायरेक्ट वहाँ से साइन हॉस्पिटल के पास में, और मुझे मिला है उसमें 816 रुपया, बहुत ही अच्छा था। अराउंड 1 घंटा 5 मिनट लगा 816 रुपये में, बहुत ही सही था। करीब 30-40 किलोमीटर के आसपास में था वहाँ से, पलावा से साइन हॉस्पिटल के पास में, जस्ट उसके बाजू में जाना था। और ये बुकिंग मिलने के बाद वो जो बैठा था वो थोड़ा कवर हो गया। सो अभी मैंने चालू किया, एक बुकिंग आई थी 5 मिनट की ड्रॉप की, बट वो कैंसिल हो गई है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ और अराउंड बज गए हैं 11:30, आधा 1 घंटा और चलाऊँगा, जैसा भी देखूँगा बुकिंग वगैरह है। सो अराउंड अभी तक 2500 से 2600 तक की और अर्निंग हो चुकी है। और देखो एक बुकिंग आ रही है 19, नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं जाऊंगा मैं, तो इसको पास कर दिया, ये ओला में आई थी। सो 2500 से 2600 रुपये तक की अर्निंग कर चुका हूँ। अराउंड मैं 2 बजे निकाला था गाड़ी को, 2 से 11, 11:30 हो रहा है, जिसमें मैं 2 घंटा बैठा भी था। सो अभी वो भी काउंट कर लेते हैं। सो 9.5 घंटा मैंने गाड़ी चलाया है, काफ़ी सही जो अर्निंग थी हुई है। बुकिंग वैसे भी आज बुकिंग तो बहुत थी, लेकिन पैसा बराबर नहीं दे रहा था वो हिसाब से। सो अभी थोड़ा बहुत मैं चलाऊंगा 1 घंटे, उसके बाद गाड़ी बंद कर दूंगा, ये पार्क ले आके खड़ी कर दूंगा गाड़ी।